पानी की कीमत का अंदाजा शायद किसी को नहीं पता है। कई बार ऐसी तस्वीरें भी आ जाती हैं जिससे लोगों की लापरवाही भी उजागर होती है। पानी से जुड़ी अब ऐसे ही एक खबर आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। इंसान पानी इस्तेमाल करने में हमेशा लापरवाह रहा है। आम चीजों के लिए भी जितनी जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा पानी खर्च किया जाता है। विश्व स्तर के संगठन और अलग अलग देशों में सरकारें पानी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए मुहिम भी चलाती हुई नजर आती है, लेकिन बावजूद इसके पानी का सही और सीमित इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाल ही में आई एक स्टडी इंसान को डराने के लिए काफी है। नई स्टडी के अनुसार साल 2040 तक 44 देशों में पानी की भारी किल्लत पैदा हो जाएगी और साल 2025 तक ही दुनिया के 2.8 अरब लोग पीने के पानी को तरस जाएंगे। इसके साथ ही अगले 2 से 3 दशक में तो काफी ज्यादा जनसंख्या इससे प्रभावित हो जाएगी। रिसर्चर्स का मानना है कि दुनिया में मेडिटेरियन देश पृथ्वी पर अपनी लोकेशन की वजह से सूखे के सबसे ज्यादा रिस्क पर है। वहीं पिछले 500 साल के इतिहास में यूरोप मौजूदा समय में सबसे लंबे सूखे से गुजर रहा है। स्टडी में बताया गया है कि साल 2025 तक दुनिया के 48 देशों के 2.8 अरब लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं होगा। वहीं साल 2050 तक लोगों का ये आंकड़ा 7 अरब तक पहुंच जाएगा। वर्तमान समय में दुनिया में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल अमेरिका और फिर ग्रीस में किया जा रहा है। स्टडी में बताया गया कि अधिकतर पानी सिर्फ सिंचाई ही नहीं बल्कि अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी को लेकर हुई स्टडी में सामने आए आंकड़े इंसान के लिए भयावह जरूर है, लेकिन अगर पानी के गलत इस्तेमाल की रोकथाम दुनिया भर में सही तरीके से और अभी से ही की जाए तो शायद भविष्य में हालात बदल भी सकते हैं। हालांकि पानी को बचाने की मुहिम सबसे पहले खुद आपके सही इस्तेमाल से ही शुरू होगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।